अमृत कलश में मिश्रित की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ करेंगे। माई भारत भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। देश के युवाओं को एक ही स्थान पर संपूर्ण सरकार प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए मेरा युवा भारत को स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को नींव रखी जाएगी मेरा युवा भारत की। माई भारत भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है और सरदार पटेल की इसी जयंती के दिन मेरा युवा भारत यानी माई भारत की नींव रखी जाएगी। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। रविवार को पीएम मोदी ने मन की बात में युवाओं से माई भारत से जुड़ने की अपील की थी। 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। देश के युवाओं को एक ही स्थान पर संपूर्ण सरकार प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए मेरा युवा भारत को स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। देश के प्रत्येक युवा को समान अवसर प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप माय भारत सरकार के सभी आयामों के संदर्भ में एक सक्षम व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकें और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकें। माय भारत का उद्देश्य युवाओं को सामुदायिक परिवर्तन के अग्रदूत और राष्ट्र निर्माता बनाने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना है। इस अर्थ में माय भारत देश में युवा के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी माय भारत ये नई संस्था को शुरुआत करेंगे। इसके साथ माय भारत पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और देश के करोड़ों युवा माय भारत .gov.in इस पे जुड़ सकते हैं और सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। प्रोग्रामेटिक स्किल या स्किल एनहांस करने के लिए ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जहां पर उनका जुड़ना होगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार का ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।